बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमसीक्यूज देखेंगे। इस वीडियो में वो एमसीक्यूज शामिल हैं जो बहुत कॉमन हैं और किसी टेस्ट या एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपने भी कोई टेस्ट या एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। आप इस टेस्ट से अपनी मार्किंग खुद भी कर सकते हैं। किसी पेपर पर अपने मार्क्स लिखते जाएँ और एंड में कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। इसकी ऑप्शंस हैं ये चार। करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर टू, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। इसकी ऑप्शंस हैं ये चार। उसके लिए कौन से बटन प्रेस करेंगे? उसकी शॉर्टकट कमांड है ये कंट्रोल। अगर आप प्रेस करेंगे तो जितना टेक्स्ट आपने टाइप किया वो सारा इकट्ठा सिलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें से पेज ओरिएंटेशन की कौन सी एग्जाम्पल है? उसकी ऑप्शन है ये चार। करेक्ट आंसर है लैंडस्केप। लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन की एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कमांड टू सेव अ फाइल। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? इसकी ऑप्शंस हैं ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल एस। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। और ये जब भी आप एमएस ऑफिस में काम करते हैं तो ये कमांड सबसे ज्यादा यही यूज होती है ताकि आपने जो वर्किंग की है वो साथ साथ सेव होती रहे। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएस ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इन ऑप्शंस में से कौन जो है एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हिस्सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डॉक्यूमेंट कैन बी डैश विद एमएस वर्ड। ऑप्शंस है ये। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें हम ये सारे काम कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सी टैब जो है वो डिफॉल्ट है? ऑप्शंस है ये। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होम टैब है जो डिफॉल्ट है। मतलब जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट में होम की टैब होती है ओपन। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को सेव करने के लिए सही है? ऑप्शन है ये और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एंड अबव। एमएस वर्ड 2016 और उससे अबव में कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैलिब्री। जब भी आप एमएस वर्ड की कोई फाइल ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट में कैलिब्री फॉन्ट होता है, उसके बाद फिर आप उस फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ न्यू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016 एंड अबव। ऑप्शंस है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11 पॉइंट। डिफॉल्ट में यही फॉन्ट साइज होता है, उसके बाद आप उसको कम या ज्यादा फॉन्ट साइज को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। डिफॉल्ट में एमएस वर्ड की क्या एक्सटेंशन होती है? करेक्ट आंसर है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F12। कंट्रोल प्लस F12 आप प्रेस करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
F12 इज शॉर्टकट की टू ओपन। F12 को प्रेस करें तो क्या ओपन होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेव अ डॉक्यूमेंट? आप कितने तरीकों से डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं? ऑप्शन है ये, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 3 तरीकों से आप कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सेव कर सकते हैं। जो वो 3 तरीके ये हैं, फाइल और ऑफिस पे क्लिक करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं जो टॉप लेफ्ट साइड पे होता है। सेकंड मेथड है कंट्रोल और एस प्रेस करके भी आप कोई डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है F12 भी आप प्रेस करेंगे तो सेव एज की ऑप्शन आ जाएगी कि आप उसको सेव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? ऑप्शंस है ये, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? इसका करेक्ट आंसर है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज? डिफॉल्ट में एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन क्या होती है? ऑप्शंस है ये, करेक्ट आंसर है सी, पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन टेबल ऑफ एमएस वर्ड? ऑप्शंस है ये और करेक्ट आंसर है मिनिमम नंबर कॉलम और रोज की एक होती है, एक ही रो आप इंसर्ट कर सकते हैं मिनिमम और एक ही कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन का ये करेक्ट आंसर है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच को आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपका फाइनल प्लेस का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की शुड बी प्रेस्ड इन एमएस वर्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ? इनमें से कौन सी की प्रेस करनी चाहिए जिससे एमएस वर्ड में न्यू पैराग्राफ आ जाए? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंटर प्रेस करेंगे तो आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इंसर्ट पेज नंबर एट डैश एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड में हम कहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन है बोथ हेडर एंड फुटर। आप एमएस वर्ड में हेडर पे भी चाहे तो पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और चाहे तो फुटर में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड इज अ डैश? इसका सही आंसर है एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हाइपरलिंक इज क्रिएटेड व्हाट फॉर्मेट्स द वेब एड्रेस एज? एमएस वर्ड में हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया जाता है तो उस वेब एड्रेस को एमएस वर्ड कैसे फॉर्मेट करता है? उसका करेक्ट आंसर है अंडरलाइन एंड कलर ब्लू। उसको अंडरलाइन कर देता है और उसका कलर ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड इटैलिक एंड रेगुलर आर नोन एज? बोल्ड इटैलिक और रेगुलर किस कैटेगरी में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस यू प्रोवाइड डैश फैसिलिटी? कंट्रोल प्लस यू प्रेस करें तो क्या ऑप्शन आ जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनडू द लास्ट एक्शन। ये भी आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल में कमांड आएगी, कंट्रोल जेड आप प्रेस करेंगे तो जो भी लास्ट एक्शन आपने किया होगा अंडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंडस्केप? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेज ओरिएंटेशन है लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू? कंट्रोल एन प्रेस करें तो किस ऑप्शन के लिए यूज होता है? करेक्ट आंसर है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूलर इन एमएस वर्ड? और इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रूलर को आप इन सारे ऑप्शंस के लिए यूज कर सकते हो, चेंज द पेज मार्जिन्स टू सेट द इंडेंट्स टू सेट टैब्स, गटर मार्जिन रेफर्स टू। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गटर मार्जिन किसकी तरफ रेफर होता है या इसका क्या मतलब है? और इसका करेक्ट आंसर है मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज when printing। Next question है, shortcut key for subscript is? subscript के लिए shortcut key कौन सी है?
और इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस और इज इक्वल टू का साइन आप लगाएंगे तो कोई भी टेक्स्ट जो आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज, सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है, इसकी ऑप्शंस हैं ये और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू स्प्लिट अ टेबल इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में टेबल को स्प्लिट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे तो टेबल स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पेज डाउन कमांड इज यूज फॉर व्हाट, कंट्रोल और पेज डाउन की कमांड को आप प्रेस करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, इसका करेक्ट आंसर है मूव द कर्सर ऑन वन पेज डाउन, मूव द कर्सर वन पेज डाउन, जब आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन करके प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है आपका एक पेज नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन एमएस वर्ड और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 500 तक आप स्केल कर सकते हैं एमएस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ एंड की, एंड की का क्या यूज है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर, ऑप्शंस है ये और इसका करेक्ट आंसर है 1638, आप मैक्सिमम फॉन्ट साइज यहां तक 1638 तक इंक्रीज कर सकते हैं, आप चाहें तो एमएस वर्ड में जाके ये चीज अप्लाई करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर, इसकी ऑप्शन है ये और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1, आप मिनिमम फॉन्ट साइज 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ बुकमार्क्स इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में बुकमार्क्स का क्या यूज है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, सकते हैं और जब आप उसको ओपन करेंगे तो बुकमार्क प्रेस करके डायरेक्ट उस लोकेशन पर जा सकते हैं जहां पे आपने बुकमार्क लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, ऑप्शन है ये और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, हम प्रिंट लेने के लिए हमें बी और सी दोनों ऑप्शंस को यूज करना है टू सेट पेपर सेटिंग एंड टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड, ऑप्शन है ये और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डबल क्लिक विद इन द वर्ड, आपने कोई भी वर्ड अगर सिलेक्ट करना है कोई भी सिंगल वर्ड अगर एमएस वर्ड में कोई भी सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ अ स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सी लाइन किसी भी वर्ड के नीचे आ जाएगी अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेड लाइन आ जाएगी अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ डैश अंडरलाइन ऑन द टेक्स्ट ऑफ एनी ग्रामर मिस्टेक्स इन द डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामर मिस्टेक होगी तो इनमें से कौन सी लाइन आ जाएगी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड में इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ ग्रुप इज प्रेजेंट अंडर विच टैब, पैराग्राफ ग्रुप जो है इनमें से किस टैब में होता है, करेक्ट आंसर है होम टैब में होता है पैराग्राफ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कमांड्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप इन होम टैब, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कमांड जो है ये होम टैब में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉन्ट का जो ग्रुप है ये ऑप्शंस वहां पे मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन एमएस वर्ड, ये ऑप्शंस हैं
और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8.5 × 11। अब लास्ट क्वेश्चन, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट सिंबल्स आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली इन फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। इनमें से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के कौन से सिंबल्स हैं? ये सिंबल्स हमें फॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं जो कि होम टैब में होते हैं। ये ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और इसकी एग्जांपल भी है, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट सिंबल्स आर X2, जिसका 2 नीचे की तरफ है वो सबस्क्रिप्ट है और जिसका 2 ऊपर की तरफ है वो सुपरस्क्रिप्ट है। और ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपने टोटल 50 में से कितने मार्क्स लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने को मिलती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।